जस्ट मिनट। रिकॉर्डिंग ऑन। जी आई इन, जी आई अलोंग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। और यह है कि जी आई एन एल्डो एंड कीटो ऑक्साइन। एल्डो या कीटो ऑक्साइन में पहले एल्डो ऑक्साइम और कीटो ऑक्साइम क्या होता है ये समझ लो। एल्डो ऑक्साइम कीटो ऑक्साइम का मतलब क्या है? देखो ये एल्डिहाइड है आर एच सी डबल बॉन्ड ओ, दिस वन इज एल्डिहाइड। और ये एच टू एन ओ एच है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलेमीन। इसको स्लाइटली एसिडिक मीडियम में जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। और ये बनता है आर एच सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, और ये भी बनेगा साथ साथ, दो प्रोडक्ट बनेंगे आर एच सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एल्डो ऑक्साइन। ये आगे चल के हम लोग रिएक्शन करेंगे, लेकिन एल्डो ऑक्साइम क्या होता है मेरे को ये बताना था। एल्डिहाइड से अगर बने ऑक्साइम तो उसको बोलते हैं एल्डो ऑक्साइम। इसके ये दोनों जो फॉर्म है ना, ये दोनों फॉर्म ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ये वाले और ये वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। कौन से हैं मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। अभी ये एल्डो ऑक्साइम है, अगर मान लो यही रिएक्शन कीटोन से होता, दिस वन इज द कीटोन, तो ये वाटर निकलता है यहां से, इससे बनता है कीटो ऑक्साइन आर आर डैश सी डबल बॉन्ड एन ओ एच प्लस आर आर डैश सी डबल बॉन्ड एन ओ एच। इसको बोलते हैं कीटो ऑक्साइन। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एल्डो ऑक्साइम कीटो ऑक्साइम क्या है, और एल्डो ऑक्साइम में कार्बन नाइट्रोजन और या कीटो ऑक्साइम में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा तो आइसोमर बनते हैं। जैसे एक आइसोमर ये है, दूसरा आइसोमर ये है, एक आइसोमर ये है, दूसरा आइसोमर ये है, राइट। तो मैं आपको वही जी आई इन एल्डो ऑक्साइम एंड कीटो ऑक्साइम बता रहा हूँ। ये जो लिखा है ना मैंने, जी आई इन एल्डो ऑक्साइम एंड कीटो ऑक्साइम या अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, राइट बराबर ना बच्चों। Yes, अब देखो जरा,
नेक्स्ट पेज दे। सर एक मिनट, एक सेकंड सर, समझ में आ रहा, लेकिन फर्क क्या है? कीटोन कीटोन से बनेगा तो कीटो ऑक्साइम, ये देख रहा ना, ये कीटोन है ना, कीटोन देख रहो, दोनों तरफ आर हो तो कीटो ऑक्साइम, एक तरफ एच हो दूसरी तरफ आर हो तो क्या बोलेंगे, एल्डो ऑक्साइम। सर मैं बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट में जो दोनों है वो आइसोमर आइसोमर कैसे हो? अभी बता रहे हैं उसका नाम कैसे करेंगे, हम बताते हैं अगले पेज पे। अच्छा एक सेकंड देना सर। अच्छा देखो मैंने गलत से वो कर दिया यार, फिर पेज नंबर ये होना चाहिए 1। सर चलता है सर, अब वो पेज दिखाओ ना अभी। सर अबे सब अपोजिट हो जाएगा सारा। तो हाँ ये रिएक्शन का कोई मैकेनिज्म? हाँ सब मैकेनिज्म है, आगे आएगा, अभी नहीं आएगा, जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ोगे तो सब मैकेनिज्म आएगा डिटेल में। ओके, अभी अभी इसकी बस हम लोग इसका प्रोडक्ट। अभी 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 इसकी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके सर नेक्स्ट पेज। मतलब वो यही था, थोड़ा सा ध्यान से सुनो इसको, ये पेज 1 हो जाएगा, गड़बड़ होगा, जी आई लॉन्ग कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, वापस से लिख रहे हैं आप? खाली लिख देते हैं जल्दी से, RHC डबल बॉन्ड, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर आगे पीछे हो जाएगा दोनों का। ओके सर, ओके सर। स्लाइटली एसिडिक मीडियम में ये एल्डो ऑक्साइम बन गया, RHC डबल बॉन्ड एंड OH, RHC डबल बॉन्ड एंड, ये एल्डो ऑक्साइम है। और ये क्या है, कीटो ऑक्साइम, आर आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ H2 NOH H+ कीटो ऑक्साइम, आर आर डैश सी डबल बॉन्ड एन ओ एच आर आर डैश सी डबल बॉन्ड एन, इसको बोलते हैं क्या, कीटो ऑक्साइम। और ये इसको जानते हो एल्डिहाइड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कीटोन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी लेमिंग। हाइड्रोक्सिलेमिन अमाइन आपने लिखा है इसको, पेज 2।
एल्डो ऑक्साइम, जी आई एन एल्डो ऑक्साइम 0.7 है क्या सर? मैं उसी का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, एल्डो ऑक्साइम में ओके आर है, आर सी डबल बॉन्ड एन है ना, और ये ओ एच है मान लो ये, ठीक है, तो जो स्मॉलर एटम है और ओ एच ग्रुप सेम साइड में होगा तो उसको क्या बोलते हैं जान रहे हो? सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिन। अगर अपोजिट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एंटी। एंटी इसमें नेमिंग कैसे करते हैं वो मैंने बताया, सिन और एंटी, बराबर बच्चों? हाँ सर। सिन और एंटी इसमें कैसे करते हैं वो मैंने बता दिया आपको सर। वो दूसरी तरफ उसका वो लोन पेयर ही है ना? हाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, बराबर बच्चे बोलो? यस सर। मतलब सर लोन पेयर और अल्काइल ग्रुप अगर ऑपोजिट साइड पे, ना 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 अपनी मनमानी मत करो, जो मैंने बोला एच स्मॉलर एटम ऑन कार्बन एटम एंड ओएच ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड कॉल्ड व्हाट? सिन। सिन प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड कॉल्ड व्हाट? एंटी। बोलो अच्छा लगेगा, एंटी है ना? हाँ एंटी सर। एल्डो मैं आपको इन एल्डो ऑक्साइम राइट, इफ स्मॉलर एटम स्मॉलर एटम विच प्रेजेंट ऑन कार्बन कार्बन एंड ओएच ग्रुप, OH slash कभी कभी NH2 भी लिख देते हैं, कुछ और ग्रुप भी लिख सकते हैं, OH slash NH2 ग्रुप। सर और कितने ग्रुप्स के लिए वैलिड है? प्रेजेंट ऑन जस्ट अ मिनट सेम साइड कॉल्ड सिन, if present on opposite side called anti, right, called anti, samajh gaya na? Ji sir. Oxime to OH hoga tabhi hoga, लेकिन तभी OH की जगह NH2 लगा दें तब भी हम लोग कोई एप्लाइड बना दे तो मान लेते हैं सिन और एंटी, बराबर? सिन है वो, SIN SYN SYN है ओके। और जैसे मान लो ये लिखा था ना मैंने, तो ये वाला क्या हो गया? एंटी हो गया पहला वाला है ना? यस सर। दूसरा वाला क्या हो गया? सिन। समझा ना? यस सर। एक बार प्रीवियस पेज बताइए। हाँ जरूर। अब कीटो ऑक्साइम में बता रहे हैं, अभी एल्डो ऑक्साइम बताया, अभी मैंने ये केवल बताया, ठीक है? हाँ सर समझे। जब लिख लिया हो तो बोलो नेक्स्ट पेज। हाँ सर लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। यस। जीआई इन कीटो ऑक्साइम। यस मैं बताऊँ। ठीक है। ये देख CH3 C2H5 और सी एनओ एच है,
Yes, CH3C2H5. कार्बन नाइट्रोजन के बीच में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ तो आइसोमर बन जाए. अब इसकी नेमिंग करनी है. तो देखो इसको सिन के फॉर्म में करोगे, सिन के फॉर्म में, तो OH जिस साइड में है ना उधर ही जो ग्रुप है ये सेम साइड में है, तो सिन क्या लिखेंगे, मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन. और या इसको दूसरा नाम लिखेंगे एंटी. एंटी में क्या है, मिथाइल है या इथाइल है, इथाइल ना, इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन. इसको बोलेंगे सेन क्या, इथाइल मिथाइल क्या कीटो ऑक्साइन, या एंटी क्या बोलेंगे बच्चों, दोनों सही है, एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन, मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन. समझ गए ना? यस सर. कॉन्सेप्ट समझ गए होगे. अब जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना उसी पे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना. जैसे डी ये कौन सा आइसोमर है, मान लो ऐसे दे दें मेरा मन, ये एच डी सी डबल वन एन ओ एच, या टी एच सी डबल वन एन ओ एच, ऐसे दे दिया लिख दिया C6H5 सर, C11N, OH, हमने सब लिख दिया. आंसर बताओ, ये H और क्या D C11N OH. अब आइसोमर बताना है कौन सा है, ठीक है, फिर C6H5 C11N CH3OH C6H5 C CH2 C6H5OH. बहुत सारे मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, पहले इतना कर लो तब दूसरा बताते हैं, ठीक है. चौथा सीन है और सिक्स वाला भी सेन सर. हाँ सेन और सेन, फिर रिस्पेक्ट टू उसके, हाँ अभी उसके बाद आ एंटी जो सीन है, सेन मिथाइल लास्ट वाला एंड फिनाइल, सेन मिथाइल फिनाइल हाइड्रोक्सिल कीटो ऑक्साइन, कीटो ऑक्साइन. अच्छा हाँ सॉरी. और दूसरा नाम इसका क्या होगा, दूसरा नाम एंटी के फॉर्म में लिखोगे तो एंटी फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन है ना. हाँ सर. हाँ सर. सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना बस, एक मिनट. एंटी फिनाइल, रुक जाओ, फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइन. हाँ सर कीटो ऑक्साइन चलेगा ना. यस सर. सर वो फर्स्ट वाला सिन कैसे हुआ, बस बोलिए. ये वाला फर्स्ट वाला, ये वाला, ये वाला. हाँ नहीं नहीं उसके ऊपर ये वाला. हाँ इसमें स्मॉलर एटम कौन सा है, स्मॉलर एटम यही है ना, डी वो सिन. हाँ ओ अच्छा. और इसमें देख सिन, इसको बोलेंगे सिन बेंजाइल फिनाइल K
कीटो ऑक्साइन बेंजाइल ग्रुप है। हाँ और क्या, फिनाइल बेंजाइल होगा ना सिन में। ना ना ये वाला तो बेंजाइल फिनाइल है ना, OH के साइड CH2C6H5 है ना, बेंजाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइन बेसिकली सेम कौन से साइड पर से बोलेंगे ना। हाँ और दूसरा क्या होगा, एंटी एंटी बोलो एंटी एंटी फिनाइल बेंजाइल कीटो ऑक्साइन। हाँ एंटी फिनाइल बेंजाइल कीटो ऑक्साइन। थोड़ा सा मैं जगह नहीं है तो लिख दिया ठीक है सर। और सर जो आपने ऊपर अभी लिखा हमने C90 C90 सर, वो उसको भी उल्टा करके भी नाम दे ही सकते हैं ना। अरे वो नहीं, वो तो एल्डो ऑक्साइन में केवल केवल C90 बता देते हो ना, कीटो ऑक्साइन में वैसे कर। मैं कह रहा हूँ सर अच्छा। हाँ वो तो रोटेट हो गए, तुम यही कह रहे हो यार, तुम जो कह रहे हो मैं जान रहा हूँ, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता रहा हूँ। मैं समझ गया तुम यही कह रहे हो ना कि ये NaOH तो ये सिन हो गया और इसका NTA बना देंगे, HCD डबल बॉन्ड NOH NTA हो गया है ना। ना ना मैं कह रहा हूँ कि हमने पिछले वाले पेज उन लोग को नाम दिया सिन या फिर एंटी सिन या फिर एंटी है ना। हाँ। तो सर उसके अंदर हम लोग उनको उल्टा नाम भी दे सकते हैं ना, पहले वाले को ना नहीं कर सकते। ना ना वो एल्डो ऑक्साइन में नहीं कर सकते, कीटो ऑक्साइन में कर सकते हैं। मतलब सर समझाना, मतलब ये वाला पर्टिकुलर आइसोमर जो है ना ये वाला सिनी है और इसका एंटी बनाना है तो ये OH को हमको इधर लाना पड़ेगा। और बात समझ गए, ये पर्टिकुलर आइसोमर जो है ये वाला, ये क्या है कौन सा आइसोमर सिन। हाँ देखो ना ये जैसे ये पर्टिकुलर आइसोमर है सिन है, इसका एंटी ये है। एल्डो ऑक्साइम में हमको वैसे ही करना है, कीटो ऑक्साइम में क्या करते हैं, कीटो ऑक्साइम जो तुम बोल रहे हो, कीटो ऑक्साइम मान लो मैंने ये दे दिया क्या नाम है यहाँ पे CH3 और क्या हो गया C और क्या हो गया C2H5 हैप्पी और डबल बॉन्ड एन और क्या हो गया वो है, तो इसको क्या बोलेंगे सिन व्हाट इथाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइम हैप्पी, या इसका दूसरा नाम हो गया एंटी मिथाइल इथाइल कीटो ऑक्साइम थाइल कीटो ऑक्साइम। सर एल्डो ऑक्साइन में मतलब हम नाम नहीं दे सकते, मतलब अलग कर हम लोग केवल सिन एंटी आइसोमर बताते हैं बराबर। ओके CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2C और डबल बॉन्ड C एन और क्या हो गया, जैसे मान लो मैंने ये दे दिया तो आप बता दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी राइट बराबर। और सभी लोग ना मास्क पहना करो, बाहर कम जाओ क्योंकि बहुत कोरोना फैल रहा है राइट। हमारे स्टूडेंट को भी कई लोगों को हो गया है, जानने वाले को आज सवेरे भी कल एक बच्चे ने बताया। सर G20 पोस्टपोन्ड होगा, भाई G21 भी नहीं हुआ अब तक खत्म, सब हो जाएगा, एग्जाम एग्जाम सब होगा, वो से एग्जाम तो ये कराएंगे ही भले कुछ भी हो, दुनिया के इधर के उधर हो जाए तो आप लोग एग्जाम के लिए तो पढ़ो ही, लेकिन सतर्क रहो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, सतर्कता ही सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैंने तो देखा हमारे जानने वाले लोगों को भी एक दो लोगों को हुआ, लेकिन वो केवल इसीलिए हुआ कि वो मास्क नहीं पहनते थे राइट। यस सर, केवल मास्क नहीं पहनते थे बस यही है, और फालतू का ट्रेवल घूमते थे, तो इससे प्रॉब्लम बढ़ती है। आप लोग ऐसा मत करना, क्योंकि कल मेरे को बहुत ही, कल मैं प्लान बना रहा था क्लास का, अभी क्लास थी बच्चे की है, उसको कोविड हो गया है इसके पहले, इतना मैं दुखी। सो प्रीवियस का प्रीवियस स्लाइड में कब से पूछ रहा हूँ, कौन सा प्रीवियस वाला PDF में देख लेना ना, क्या चाहिए तेरे को देख लेना। अरे बता ना क्या, अच्छा बताओ क्या चाहिए उसको, बोल दो ना उसकी मनोकामना पूरी हो जाए। सर एक बार क्लास क्लास रखिए, एक मिनट एक मिनट, एक ही लोग बोलो उसको लास्ट स्लाइड देखने का है सर।
तो मिल जाएगी सर, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट सर, पता नहीं कब की, लास्ट टू लास्ट चाहिए। अरे रुक जाओ भाई, मिल जाएगा उसको, काहे के लिए उसको वो दुखी। ये यही वाला ना बेटा, बोलो वो प्रीवियस टू प्रीवियस, इसके बाद ये वाला। अब बोलोगे कुछ उधर से? हाँ सर यही वाला सर लगता है। अच्छा सर नोट, ये लास्ट है बेटा। अरे नहीं सर, वो मेरे से कुछ हो गया, हो गया हो गया। बहुत अच्छा किया तुमने किया। ये देखो इसका नाम लिख लेना, इसका जैसे बोलेंगे ना, इसको बोलते हैं सिन ब्यूटाइल इथाइल कीटोक्साइन, सिन ब्यूटाइल इथाइल कीटोक्साइन। सर ये नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन देखे से भी आ सकता है ना? ऐसे आ सकता है, चार ऑप्शन में खूब आता है भाई ये। सर जो आप और अब इसको लिख लोगे ना सारे लोग, और या क्या करेंगे इसका क्या होगा, एंटी बोलो इथाइल ब्यूटाइल की तो हो गए इथाइल ब्यूटाइल 28 40 से जो पाइप से पास हो गया 2008 40 कोई बात नहीं, ह्यूमन बीइंग है। साइक्लोब्यूटाइल साइक्लोप्रोपाइल, क्या गलती किया है मैंने बताओ? सिन एंटी कुछ लिखा ही नहीं आपने। हाँ साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल कीटोक्साइन सिन सिन, एंटी में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, एंटी साइक्लोप्रोपाइल कीटोक्साइन। सर ये अमोल बेबी वाला क्वेश्चन दे रहे हो आपको भी। अब यही जब आएगा पेपर में गलती करोगे तो बड़ा वाला क्वेश्चन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोब्यूटाइल कीटोक्साइन। अब सारा लिख लेना जो बाकी है, स्पेस नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? हाँ सर। इसका आप लोग लिख लेना, इन दोनों का एक लिख देते हैं जगह है इधर, साइक्लोहेक्साइल सिन साइक्लोहेक्साइल साइक्लो पेंटाइल कीटोक्साइन। और इसको क्या बोलेंगे, सिन फिनाइल पैराटोलिल सिन सर, पैराटोलिल की पैराटोल, मैंने बताया ना पैराटोल, आपको कराया ना पैराटोलिल ग्रुप। हाँ सर वही तो है बेटा। हाँ सर समझा है ना। इन फिनाइल पैराटोलिल कीटोक्साइन, लास्ट वाले का तो कुछ नहीं है, सिन साइक्लोपेंटाइल साइक्लोब्यूटाइल कीटोक्साइन, बराबर ना? हाँ साइक्लोपेंटाइल। हाँ नेक्स्ट बोलो। सिमिलरली एल्डो ऑक्साइन के लिए भी होगा ना सिन, एल्डो ऑक्साइन में क्यों सिन और एंटी करना? हाँ हाँ मतलब हाँ सिर्फ सिन और एंटी। हाँ पेज चेंज करें। यस सर एक सेकंड सर। एक मिनट के लिए प्रीवियस के जिसका नाम पूरा नहीं लिखा होगा ना, एक दो बाकी होगा उसको लिख लेना पूरा नाम, ठीक है? दूसरा भी लिख लेना। एग्जाम्पल दिया था देखो, जीआई इन ट्राइफिनाइल एंड टेट्राफिनाइल सिस्टम, ये तो एल्डो एंड कीटो ऑक्साइन में बता दिया मैंने,
बराबर। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल जरा ये बताओ इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जरा बताओ मेरे को। इसको कौन सा आइसोमर बोलेंगे? हाइड्रोजन को अलग अलग प्लेन ना, क्या बोलेंगे? पहला दोनों सेस है पर हाँ फर्स्ट वाला ट्रांस है ना, रिपल्शन होगा ना तो ऊपर हो जाएगा ऑर्बिटल। मैंने सिखा दिया है पहले, जीआई नहीं होगा अगर डबल बॉन्ड है तो साइकिल में। अब ये कह रहे हैं जीआई नहीं होगा, सत्यानाश मत करो यार। ये देखो ये लोन तो जीआई तो होगा ही। एंटी एंटी एंटी। अच्छा वैसे बोलो वैसे नहीं तो कैसे सिन, अब तो बोलोगे ही। हाँ सिन सिन अगला सिन सिन और फिर एक लास्ट। हाँ जी ये सिन हो गया और ये एंटी। कराया था ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के लॉन्ग, बोलो कराया था सर। तब क्यों गलती कर रहा है रे सर, हम 30 और ट्रांस में चले गए। तो वही बोल रहे हैं ना, नोटेशन करा दिया था आपको। तब इसका बोल क्या बोलेंगे, जल्दी बोल जल्दी बोल लास्ट। सिन सेम है, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सिन फिनाइल साइक्लोहेक्साइल कीटो ऑक्साइन, फिनाइल साइक्लोहेक्साइल कीटो ऑक्साइन। और यह इसको बोलेंगे एंटी साइक्लोहेक्साइल फिनाइल कीटो ऑक्साइन। यस ऐसे एग्जांपल दें तो फटाफट बता देना। हाँ हाँ सर, खूब पूछे जाते हैं ये एग्जांपल्स हैं। अब देखो मतलब जेई में पूछ जाते हैं ऐसा क्वेश्चन और क्या, डायरेक्ट ऐसे ही मतलब से हां चार ऑप्शन दिया रहेगा पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट पेज करें, एक सेकंड सर। नाइट्रोजन है जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, GIN triphenyl tetraphenyl system। नेक्स्ट पेज दें। पेज 6 GI in tri and tetraphenyl सिस्टम। जैसे एक तो यही है जगह नहीं है तो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब ये दो मिथाइल है ना, दो मिथाइल, इन दोनों मिथाइल के बीच में रिपल्शन होता है। सो ये 0.7 है क्या? हाँ ये जो 7 है ये आइसोमर क्या है, सिस है। सिस दोनों मिथाइल मिथाइल सेम साइड में होंगे तो क्या बोलेंगे, सिस, बराबर ना। और जो इसका ट्रांस बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे,
यस स्टेबल ट्रांस होगा अगर रिपल्सन कम होगा, बराबर ना। वही ना बॉन्ड रोटेट हो जाएगा। हाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बीच में क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हुआ इसके बीच में। हाँ रिस्ट्रिक्टेड हो, हाँ रिस्ट्रिक्टेड हो, बराबर। हाँ नेक्स्ट पेज दें, एक सेकंड सर प्लीज। सर रोटेशन हुआ कैसे, मतलब? अरे बॉन्ड टूटा है टेम्परेचर में, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, डाई रेडिकल बताया था ना। हाँ डाई रेडिकल। हाँ 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 नेक्स्ट पेज दे, नेक्स्ट पेज। नहीं नहीं सर, एक सेकंड सर। देखो ये वाला ध्यान सुनना, समझना है इसको भी। जैसे ये है मिथाइल ट्राइफिनाइल सिस्टम, ये श्री, और यहाँ पे हो गया आयोडीन ब्रोमीन, कोई भी ग्रुप ले लो बड़ा, आयोडीन ब्रोमीन सिस आइसोमर है, सिस। और इसका ट्रांस क्या बन गया, ये बीआर बीआर आई आई, ये ट्रांस है। ऐसे बता देना वो बच्चों, एक्सप्लेन कर देना कैसे है। हाँ हाँ सर, यस सर। ये देखो ये देखो, आवाज आ रही है ना। हाँ सर। और देखो सर इफेक्ट तो जानते हो आप लोग, यस सर। वो बल्कि ग्रुप है, सर इफेक्ट है ना। हाँ सर, वो रिपेल रिपेल करेंगे तो क्या होगा कि ये वाली जो रिंग है ना परपेंडिकुलर टू प्लेन चली जाएगी, ये वाली परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब समझ गया ना, डार्क कर दें, इसका प्लेन डिफरेंट हो गया, सही किया ना। ये जो स्क्रीन स्क्रीन के प्लेन के बाहर होगा, अरे भाई इसके बीच में रिपल्सन होगा जो मैंने सर्किल किया है, तो डाइफिनाइल में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन चली गई। सर लेकिन साइकिल साइक्लिक को कितनी बल्की ग्रुप होती है, ये मिथाइल का खड़ी। अरे ये जब बड़े बड़े के बड़े ग्रुप है ना, इसमें तो रिपल्सन होगा तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन चली गई, इसमें भी रिपल्सन हुआ तो ये परपेंडिकुलर टू प्लेन चली गई, मतलब वन और थ्री वाली कौन क्या है प्लेन में है ना रिंग, और ये प्लेन के बाहर है, देख रहे हो ना। हाँ सर। तो वन और थ्री में मिथाइल मिथाइल सेम साइड में होगा तो क्या बोलेंगे, सिस अपोजिट हो गया तो क्या बोलेंगे, ट्रांस। समझा कि नहीं समझा सर, कौन सा इफेक्ट सर, इफेक्ट रे सर सर जीओ सी, इसमें सर होगा ना, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन चला गया ये वाली रिंग। हां हां सर, तो फिर ट्राइफिनाइल में तभी ट्रांस बने, मतलब ऐसा होगा जब हैवी ग्रुप्स है। हाँ मतलब ये क्या होगा, जब हैवी ग्रुप हो गए तो क्या होगा, रिपेल करेंगे तो ये अपोजिट चला जाएगा, तो अपोजिट चला गया तो क्या बन जाएगा, आइसोमर, उसी को क्या बोलेंगे, सिस ट्रांस आइसोमर।
बराबर। और सर अगर CH3 जैसे आप वो लेजर लो ना, क्या करिए, अगर CH3 साइड में होता और वहीं पे होगा, आर्थो पे होना चाहिए तभी रिपेल होंगे, मेटा पैरा पे नहीं होगा। ओके समझा। नेक्स्ट पेज दे सर, एक सेकंड सर, उसमें हाँ सर ये परपेंडिकुलर तो प्लेन होगा तो फिर वो शिफ्ट कैसे होगा उसका लोकेशन मिथाइल? अरे ये परपेंडिकुलर टू प्लेन हो गया ना भाई, राइट सर। ये मतलब क्या, ये वाला ये मतलब ये वाला है ना? हाँ तो ये वन और जो थर्ड रिंग है वो प्लेन में है ना, सेम प्लेन में। हाँ तो मिथाइल सेम साइड में होगा तो क्या बोलेंगे, सिस अपोजिट साइड भी तो हो सकता है। तो उधर पहुंचा कैसे? हाँ अपोजिट हुआ कैसे? अरे अपोजिट भी हो सकता है ना इसका एक फॉर्म। हाँ भी ये भी तो हो सकता है, जैसे ये है वैसे इसका अपोजिट भी तो फॉर्म हो सकता है ऐसे। हाँ तो सर लेकिन इसका क्या सिग्निफिकेंस था कि बीच वाली रिंग परपेंडिकुलर हो रही है? हाँ मतलब वन और थर्ड रिंग क्या है सेम प्लेन में है, और सेकंड क्या है परपेंडिकुलर टू प्लेन है। हाँ वो ठीक है तो, लेकिन सेकंड अगर सेम प्लेन में होती तो भी क्या ही फर्क पड़ता? अरे क्या होता, कुछ नहीं होता। मतलब क्या होता है, GI हम बता रहे हैं ना ट्राइफिनाइल सिस्टम में, सेकंड में अगर बल्कि ग्रुप लगा दो तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ही होंगे ना दोनों एक दूसरे के। अगर दो रिंग दे दें या बड़े ग्रुप आर्थो पे लगा दें तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ही होगा। सर इफेक्ट ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ये कॉपी करने दो, नहीं लिखा है जल्दी लिख फटाफट फटाफट, मूव फास्ट, सब बता के आगे बढ़ा दें तुम्हें। बोले हाँ सर ले जाओ, लिख लेना बाद में भेज देंगे, तुरंत भेज देंगे। GIN रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो नंबर नेक्स्ट हो 8 या 9 जो भी है देख लेना। ये जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH माइनस CH, अब इसमें नो जी आई का मतलब GI नहीं होगा, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये बनाओगे क्या, CH3O- चलेगा ना, डबल बॉन्ड CCH3H सिस हो गया, इसका और बन सकता है क्या ट्रांस है ना, CH3HO- बराबर। बच्चों सर आपने फर्स्ट वाले अच्छा हाँ CH3C=O एंड HCH3, अब इसमें नो GI और इसमें yes GI, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या बनेगा, ये क्या बन जाएगा CH3CO- डबल बॉन्ड एंड प्लस चार्ज, और क्या किया बच्चों CH3 है ना, और H yes. इसको क्या बोलेंगे सिस, अपोजिट करोगे तो ट्रांस बनना है ना SGI, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हो रहा है, जो मॉलिक्यूल पहले दिया है उसमें GI है या नहीं है, नहीं है, नहीं है डबल बॉन्ड नहीं है। सर आप एक बार ये नाइट्रोजन वाले में सिस और ट्रांस एक्सप्लेन करोगे? अरे मिथाइल सेम साइड में है, ओ, तो क्या बोलेंगे सिस, हां हां ठीक, अपोजिट साइड में है तो ट्रांस। ओके
बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, समझा कि नहीं समझा? एक सेकंड सर, ऑब्जर्व करना, नोट करिए, आप ही के लिए है। हाँ पहले ऑब्जर्व कर सर, वो चेंज कैसे? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है ना ये? हाँ 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 समझ गया सर। सर मुझे डाउट है कि एक एक, एक मिथाइल के बदले अगर एक मिथाइल डाल दे तो होगा जी आई, उसकी नेमिंग करेंगे ईजेड सिस्टम से। अगर चारों डिफरेंट हो गए तो उसकी नेमिंग करेंगे ईजेड सिस्टम से। ई जेड जेड ई, इसी इसी चैप्टर में करेंगे, इसी टॉपिक में करेंगे। मिटा दें इसको, आगे बढ़ाएं। नहीं सर, हाँ सर एक मिनट सर, लास्ट का हाँ सर, हो गया सर। बहुत अच्छा किया कि आपने लिख लिया। जैसे ऐसे करते हैं कि ये तो सारे कैटेगरी में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ पे जीआई होगा, राइट? अब नेक्स्ट हेडिंग में बता रहा हूँ, कंपाउंड्स विच डू नॉट शो what GI if two same atom are group, if two same atom directly attached to double bonded carbon atoms, or single bonded carbon atom in cyclic compound. In cyclic compound. And compound will not show GI. ऐसे कंपाउंड में जीआई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने एच दे दिया, एच दे दिया, और यहाँ सी दे दिया, सीएल दे दिया, बीआर दे दिया, किसी भी एक कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों सेम एटम या ग्रुप हो तो जीआई होगा या नहीं होगा? नो जीआई, नो जीआई, क्योंकि उसको चेंज करोगे तो वही आइसोमर बनेगा, सेम ही बनेगा। जैसे मैंने ये दे दिया सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये क्या हो गया? बी आर आई है। अब ये क्या है? सेम है ना, तो जी आई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, नो जी आई। जैसे मैंने दे दिया डी डी डबल बॉन्ड एच टी, क्या हो गया? सेम है ना, जी आई है, नो जी आई? नो जी आई, नो जी आई, समझा ना? जैसे मैं ये दे दू टी टी सी डबल बॉन्ड सी डी डी, जी जी आई, जी आई है, नो जी आई? नो जी आई। ये मैंने दे दिया है ऑक्साइम में एच एच दोनों तरफ एच डबल बॉन्ड एनओ एच, जी आई है, नो जी आई?
समझ गए होगे हमारी बात। ये टी सी टी दे दें, डबल बॉन्ड एन ओ एच दे दें, नो जी आई है ना। बच्चों हाँ सर नेक्स्ट पेज दें। जैसे देखो सर 5 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज। हाँ जी जरूर। देखो इस कार्बन पे सेम हो गया ना, नो जी आई जरूर आपको देंगे 5 सेकंड के लिए प्रीवियस पेज सी ओ एच एच मी नो जी आई नो व्हाट जी आई बराबर कहीं पे भी कर दो, अगर नहीं है तो जी आई नहीं होगा, सेम होगा तो जी आई नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे नहीं होगा क्रॉस कर दिया, मान लो मैंने ऐसे दे दिया मेरा मन जी आई, ये वाला डबल बॉन्ड नहीं शो करेगा क्योंकि सेम है देख रहे हो ना, तो वाला लेकिन यहाँ पे तो होगा ना मीमी है। हाँ, बोलो। हाँ, सर, जैसे ये दे दिया ये बी आर है ये सी एल है, अब यहाँ पे तो जी आई नहीं होगा क्योंकि सेम है, लेकिन इसके लॉन्ग होगा ना इसके लॉन्ग बराबर जी आई, इसमें भी जी आई, समझा कि नहीं समझा सर। उधर भी अगर बी आर हटा के हाइड्रोजन हाइड्रोजन होता तो भी तो होने का चांस ही नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ 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 तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। ये बी आर बी आर आई इसमें क्या हो गया जी आई नो जी आई नो जी आई है ना। सर ये वाले समझाओ ना मुझे लास्ट नो जी आई। अब यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे भी सेम हो गया ना नो जी आई बराबर, मैंने समझा दिया आपको। मैंने ये दे दी BR IF इसमें होगा या नहीं होगा, नहीं होगा होगा इसके इस साइड होगा ना लेफ्ट नहीं समझा सर। मेरे को वो दो एग्जांपल नहीं समझे जिसमें हो रहा है दी, 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 सर। दिमाग लगाओ होगा क्यों। अरे सिंगल बॉन्ड ना कंडीशन लास्ट क्लास का नहीं पड़ा है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से एक साइकिल में जब डायरेक्टली सेम ग्रुप अटैच होता तो नहीं होता ना। तो कहाँ सेम है रे, यहाँ पे अलग है ना, इस पे सेम है ना, यहाँ पे नहीं होगा ना सर। वहाँ भी तो सी एच थ्री है दोनों। हाँ इसके लेफ्ट में भी तो सी एच थ्री है दोनों। अरे एक कार्बन पे दो सेम होना चाहिए ना यार, दो अलग अलग कार्बन है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, पिटेगा मेरे हाथ से तू। सॉरी सर सॉरी गलती हो गई। सेकंड वाले में सेकेंड वाले में ये कार्बन के अलोंग होगा ना जी आई इन साइक्लोएल्केन बढ़ो। अब जो पढ़ाया वो नहीं याद है
अरे बाबा ये देख वो जो कह रहा है कि ये बोला है इसमें मिथाइल मिथाइल दे रही है, जी आई होगा या नहीं होगा? होगा, तो वही तो वो पूछ रहा था, कह रहा था नहीं होगा। और वही चीज तो ये वाला भी है, ये वाला जो तुम भेजे हो, ये वाला उस वही तो है, इसके लॉन्ग होगा ना? हाँ सर। सर तो लास्ट वाले में क्यों नहीं होगा, उसके अंदर क्लोरीन और हाइड्रोजन है ना। अरे भाई यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना रे, पिटेगा मेरे हाथ से कार्बन पे है ना। हाँ। तो ये कार्बन पे दो सेम एटम या ग्रुप होगा तो क्या होगा, जी आई कहाँ होगा? नहीं होगा। हाँ है ना, सेम यहाँ पे सेम है सर। पेज 11 पिछला वाला पढ़ के एकदम क्या करो, तैयार रखो सर। अब लास्ट टू लास्ट वाला एक सेकंड के लिए देखो, एक मिनट हाँ रुक जाइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं ठीक है। लेकिन लास्ट टू लास्ट हम लोग क्या करेंगे जरूर बताएंगे। चलो फटाफट बताते चलो ये सारे क्वेश्चन कि जी आई होगा या नहीं होगा, बता 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 जल्दी बता। नो जी आई पहले वाले में होगा इसमें। सर एक मिनट चल इसमें बता बेटा, जी आई होगा या नहीं होगा? होगा होगा और इसमें होगा, इसमें तो होगा नहीं, उसमें नहीं। हाँ राइट वाले में नहीं है, लेकिन जी आई तो होगा ही बराबर। इसमें तो जी आई नहीं होगा, इसमें भी जी आई नहीं होगा, नहीं नो जी आई, नो जी आई, इसमें जी आई। सर रीजनिंग दे दो ना। अब लो रीजनिंग वही है, सेम है तो कैसे होगा। सर थर्ड वाले का तो यही है ना कि सर आज मैं कुछ प्लेनर प्लेनर बोल रहा था, ये डबल बॉन्ड है ना। अरे भाई तीन डबल बॉन्ड है ना, क्यूमुलिन से रे चेक कर रहा था, ये सेम है ना, ये ग्रुप सेम है तो कहाँ होगा जी आई? नहीं होगा इस ट्रिपल बॉन्ड डबल 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 में, इसमें होगा ना जी आई। यहाँ पे एच है, एच है, समझा कि नहीं समझा? ट्रांस है वो, सेम साइड में हो जाए तो सिस हो जाएगा। हाँ समझा? यस सर। वो ऐसा बोल रहा था कि मैं प्लेनर प्लेनर बोल रहा था, मैं तो चेक कर रहा था कि प्लेनर ही नहीं है अगर तो फिर। हाँ तो उसको कंसंट्रेशन नहीं है, क्यों कंफ्यूज हो रहा? ये इसमें जी आई होगा या नहीं होगा? नहीं जी आई होगा, डी डी सी डबल बॉन्ड एन एच, इसमें जी आई होगा या नहीं होगा? नहीं होगा बराबर, नहीं होगा। बोलो ये देख, ये ऑक्साइम, ये ऑक्साइम है, ये ध्यान सुनना, ये देख ये इधर इधर सब सेम है ना। yes, अरे बोलो ना सर। अब इसमें देख यहाँ से, यहाँ पे सब सेम है ना दोनों, जो डॉट डॉट किया है लेफ्ट राइट दोनों, तो इसमें क्या होगा, जी आई या नो जी आई? नो जी आई, नो जी आई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सुपर। क्यों क्यों क्यों, दोनों सेम है कार्बन पे, इस कार्बन पे दोनों सेम है ना। हाँ, तो अगर मैं अगर मैं अगर मैं ऐसे कर दू, यहाँ पे कार्बन चेंज कर दू, अब बताओ जी आई होगा या नहीं होगा? होगा, हो जाएगा, डिफरेंट हो गया ना। हाँ सर। और आपने वो लाइन क्या, लाइन मैंने इसलिए दिखाया कि इधर उधर दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, देख रहे हो ना, लाइन ड्रा करके ऐसे दिखाया। ओके, लाइन का मतलब कुछ है नहीं, खाली मैं समझा रहा हूँ कि बच्चों को कि इसमें जी आई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट है ना, इसमें जी आई। नेमिंग कैसे होगा जो आपने, ये कीटो ऑक्साइम है और कुछ नहीं, कीटो ऑक्साइम सर। तो जैसे आपने वो सिन और एंटी ना, इसको नहीं सिन और एंटी बोल सकते हैं, खाली जो स्मॉलर ग्रुप है वो इजेड सिस्टम लगा के बताते हैं, हम बताएंगे इजेड सिस्टम, चारों डिफरेंट है, इजेट सिस्टम लगा के बताएंगे ठीक है। सर लास्ट टू लास्ट, जरा ये बताइए इसमें जी आई होगा या नहीं होगा? अच्छा क्वेश्चन है, ए बी आर, ए बी आर नहीं होगा सर।
नहीं होगा नहीं होगा 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 और बी आर है वो बता इसके लॉन्ग होगा ना इसके लॉन्ग है ना यस सर ये बी आर को आप अप कर दो तो क्या हो गया सिस हो जाएगा अप डाउन कर दो तो क्या हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा बराबर समझा कि नहीं समझा यस सर चेंज करे पेज सर नहीं सर एक मिनट इसके बाद वाला भी पेज दिखाते हैं बॉस है कुछ लोग बोल रहे हैं पिछला पेज कोई एक स्टूडेंट है बार बार बोल रहा है कि लास्ट पेज दिखा दो एक बार सर आप एक बार लास्ट एग्जांपल का रीजनिंग देंगे लास्ट एग्जांपल में देखिए देख बीआर है ना ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन तो सिस ट्रांस होगा ना अरे ये ऐसे मैंने सिखाया है ना देखो रीजनिंग ऐसे समझ लो ये बीआर बीआर है तो क्या हो जाएगा सिस हो जाएगा याद आ गया अप डाउन कर दो तो ट्रांस हो जाएगा समझा कि नहीं समझा समझा सर जल्दी समझ गए होगे बोलो नेक्स्ट सर लास्ट टू लास्ट सर इसके पहले वाला अच्छा इसके पहले वाला सर इसके पहले वाला डन सर थैंक यू बोलो हाँ सर तो देखो आप पेज नंबर 12 बताओ पहले में जी आई होगा या दूसरे में जी आई होगा नहीं होगा लॉजिक बताओ सर पहले वाले में जो सेंट्रल उससे मतलब नहीं है खाली जी आई होगा या नहीं जी आई होगा वो तो आपका काम है होगा मेरा क्वेश्चन केवल है जी आई होगा या नहीं होगा ठीक है दिमाग लगाओ आप सोचो जो बताया तो पहले वाले में होगा यस जी आई तो पहले वाले में होगा दूसरे वाले में भी होगा पहले वाले में होगा किसी के लॉन्ग होगा इसके लॉन्ग हो सकता है ना हाँ तीनों में इसके लॉन्ग हो सकता है इसके लॉन्ग हो सकता है जी आई होगा और दूसरे वाले में एक के लॉन्ग हो सकता है दूसरे में हाँ होगा ना जी आई हाँ अप डाउन का ही अप डाउन का ही देख रहे ना सर इधर भी और देख इसमें जी आई होगा या नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा और उसके बाजू वाले और उसके बाजू वाले में देखो ये डबल बॉन्ड पे ये कार्बन डिफरेंट है ना ये कार्बन डिफरेंट है ना जी आई होगा बराबर सर वो डबल बॉन्ड के अलोंग होगा ना हाँ इसी के अलोंग तो कैसे कैसे इसमें कैसे हुआ अरे ये कार्बन डिफरेंट है 4 degree है ये क्या हो गया 2 degree है ये 2 degree है ये 4 degree हो गया ना ये वाला ये वाला सर लास्ट वाले एग्जांपल में दोनों के लॉन्ग बना डबल बॉन्ड के लॉन्ग भी होगा और कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन के लॉन्ग नहीं होगा सेम ग्रुप है नहीं होगा ना CH3 है केवल इसके लॉन्ग होगा सॉरी सर बराबर सर डबल इसके लॉन्ग होगा बराबर सर और सेकंड वाले हम लोग ने फर्स्ट और सेकंड के अंदर ये अप डाउन का ही लॉजिक देखा ना और क्या ये बता ये होगा ये नहीं होगा जल्दी बोलो बता होगा होगा इसमें जी आई होगा
इसके लॉन्ग होगा ये वाला, समझ गया, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन। ओ हाँ, इथाइल और मिथाइल के। तो मैं तो उधर देख रहा था लेफ्ट में, डबल बॉन्ड के लॉन्ग वो देख रहे थे, इसलिए तो माइनस वहां मार्किंग। अब अमूल में भी वही बोलेंगे, एट अ मोर देन एट ना, ओए एट अ मोर देन एट। इसमें क्या होगा, इस कार्बन के लॉन्ग होगा बराबर। आप अप डाउन डाउन कर दो। हाँ अरे हाँ सर। और एक लास्ट देता हूँ आपको, तो बहुत अच्छा देना। क्या कह रहे हो, बहुत अच्छा वाला, अच्छे वाले हैं सारे। बताओ जी यही होगा या नहीं होगा, एक सेकंड सर। अगर रेजोनेट करेगा तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। राइट नो जी आई जी, आठ से कम। ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग होगा ही नहीं, और ये सिंगल बॉन्ड है ना, तो वो अनसैचुरेटेड कार्बन है। सिंगल बॉन्ड में वो क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। हां और बात साइक्लिक, ये sp2 sp2 है, इसमें भी जी आई, नो जी आई बराबर। अब देखो इसके आगे बताऊं आपको, बताऊं ना। एक सेकंड सर, रुक जाइए ना प्लीज। अरे रुक जाएं, चलो अयान रुक जाएं। अयान, अयान कौन है? अरे वो क्या नाम था कल जो था, आर्यन, आर्यन था वो। हाँ आर्यन, यस सर। अरे सर वो E16 नहीं सर, वो आर्यन चौधरी था। वो आर्यन दूसरा है। हाँ I know, different आर्यन, आवाज उसकी अलग है। क्या करें, अब ऐसे ही कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट डन सर। हाँ हाँ सर। तो देखो ये जी आई मैंने ये बताया कि कहाँ पे जी आई होगा, कहाँ पे नहीं होगा, कंडीशन दे दिया, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है, तो सबसे भारी क्वेश्चन। एक और है, कंपाउंड विच शो जी आई एंड इट्स नोटेशन, क्योंकि ईजे डीजेड कई बार कर रहे थे तो उसको भी बताना पड़ेगा ना। बोलो। यस सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि कंपाउंड विच शो जी आई एंड इट्स नोटेशन, एक मिनट, बहुत ब्लरी है। आप पता नहीं क्यों अपने आप हो जाता है कभी कदा। अच्छा तो कितना जूम, तो मैं जान के करता हूँ, इस पे चल जाएगा। नहीं सर वो पेंट ब्रश चल गया। कंपाउंड लेकिन अच्छा मेथड है, ठीक है। विच शो जी आई एंड इट्स नोटेशन, ये भी मालूम होना चाहिए। जैसे देखो क्या होता है ना, कि एक पहला कैटेगरी है C2A2B2, तो मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, C डबल बॉन्ड C A B A B, और इसको हम लोग नोटेट कर सकते हैं बच्चों, इससे नोटेशन है सिस से और क्या ट्रांस से, या इसको नोटेट कर सकते हैं ईजेड से भी, जेड से और क्या ई, दोनों तरीके से नोटेट कर सकते हैं। अभी जेड क्या है उसके लिए परेशान मत होना, क्योंकि मैं बताऊंगा ही। ओके सी टू
A2BX, मतलब अगर ये दे दिया जाए C डबल बॉन्ड C A BX, इसको हम नोटेट कर सकते हैं किससे, सिस से और किससे, और इसको हम लोग ZD से भी क्या कर सकते हैं, नोटेट कर सकते हैं, मतलब इस आइसोमर को, इसके डिफरेंट आइसोमर को हम लोग इजेड से भी नोटेट क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं बराबर। थर्ड जो कैटेगरी है वो सी टू एक्स वाई जेड ए, चारों डिफरेंट है, मतलब सी डबल बॉन्ड सी एक्स वाई जेड एंड हियर वी पुट व्हाट ए, इसको हम दोनों तरीके से नोटेट कर सकते हैं, केवल एक तरीके से मतलब इजेड से, सिस ट्रांस यूज नहीं कर सकते बराबर बच्चों। यस सर। सर हम रिस्पेक्ट में सिन, दूसरे के रिस्पेक्ट में एंटी, एंटी वो सब क्यों नहीं बोल सकते अलग अलग, सिन एंटी का मतलब होता है अपोजिट साइड है, सिन का मतलब सेम साइड होता है, मतलब नाइट्रोजन तो है ही नहीं कहाँ पे, ऐसा जरूरी तो कि नाइट्रोजन है तो इससे एंटी बोलेंगे, मतलब क्या बोल रहे हो मेरे को, नहीं आपस में मत बोलो, मेरे को बोलो तो मैं समझूंगा। सर वो ऐसा बोल रहा है कि नाइट्रोजन नहीं है तो उसे एंटी नहीं बोलेंगे। हाँ मतलब बेसिकली जो जो ऑक्साइम में एल्डो कीटो ऑक्साइम में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में जो नोटेशन होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिन और एंटी से, राइट। तो इसमें सिन और एंटी क्यों नहीं हो सकता जो अलग अलग है, सिन का मतलब सेम साइड होता है, लिखते नहीं है, नोटेट करने का तरीका होता है, जैसे मान लो आपका नाम है कुछ तो राइट, तो हम कुछ और नाम से नहीं बता सकते हैं ना, तो नॉर्मली जो कंपाउंड की नेमिंग होती है, डिनोशन है, जो रूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। सर बट सेन लेकिन खाली उन कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल हो रहा है ना जिनमें, हाँ ये चीज अभी आप वही जानते रहिए, कार्बन नाइट्रोजन जहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, हाँ उसी को हम लोग बोलते हैं, कहाँ उसी में क्या बोलते हैं, सिन और एंटी, एंटी। देखो एक जगह और है, ये मिटा दूं? हाँ सर। देखो एक कंपाउंड है डेकालीन, उसमें बता दें आपको पेज 14, ये एक छोटा है इसको बता दें, उसको जीआईएन डेकालीन, ये भी बता दें डेकालीन, ये भी एक कंपाउंड है, मैं बता दूं इसमें भी डेकालीन में, जैसे ये क्या होता है ना, ये डेकालीन है, इसको बोलते हैं डेकालीन, क्या होता है जब इसमें यहाँ पे हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एच एच सेम साइड में है, तो इसको बोलते हैं सिस फॉर्म, सिस डेकालीन, और अपोजिट होगा ना तो क्या बोलेंगे, ट्रांस डेकालीन, ये ना इसको कंफर्मर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या होता है, ये वाला होता है, अभी हम पढ़ेंगे तब अभी कुछ समझ में नहीं आएगा मैं क्या लिख रहा हूँ, डेकालीन का ये भी स्ट्रक्चर है, यही स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये आपका वो है क्या नाम है, शेयर फॉर्म, राइट, ये एच एच ऐसे कर दोगे ना तो ये सिस होता है, ये अभी समझाएंगे, ये सिस वाला फॉर्म है, सिस डेकालीन,
एलआई है नहीं, बराबर। या करेंगे हम लोग, आप लोग इसके लिए परेशान मत होना। ये जो लिखा है स्ट्रक्चर ना, ये जो चेयर फॉर्म हम बताएंगे तब आएगा आपको, अभी नहीं। जैसे इसका ये दूसरा फॉर्म बनाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्म बनता है। ट्रांसफॉर्म क्या बनेगा, जो दोनों ऊपर थे तो एक क्या कर देंगे ऊपर, दूसरा नीचे। बराबर तो लिख लो। देखा लीन में भी आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म। बताओ क्या सर? नेक्स्ट। हाँ सर। यस सर। ये जो चेयर फॉर्म है ना, जो नीचे बनाया है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना चेयर फॉर्म, तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब मैंने बताया है कि ये अगर ऐसे फॉर्म दे दिया जाए तो ये सिस हो गया और ये वाला कौन सा हो गया, ट्रांस हो गया। सर नॉर्मली कैसे रहता है फिर चेयर फॉर्म में? चेयर फॉर्म में ज्यादा इस तरह नहीं, सिस देखा लीन। हाँ वही चेयर फॉर्म है जो मैंने लिखा है ना, वो एच एच। अब जरा ये बताओ आप मेरे को, ये बताओ, ये मैंने दे दिया एक स्ट्रक्चर ऐसे, अब पूछा जाए कि दिस मॉलिक्यूल कैन शो जी आई, बोलो। यस या नो? साइक्लिक है क्या? साइक्लिक के अलोंग, दो मिथाइल के अलोंग। ये वाला, ये देख लो क्या है। यहाँ साइकिल नहीं है सर, वो बीच बीच वाले रिंग पे जो दो बीच वाले, हाँ वही हो सकता है। अब हम नहीं बताएंगे, आप बताओ। सर होगा जी। हाँ सर, इसके लॉन्ग होगा, देख रहे हो ना। हाँ सर। सर बट डाउट ये है कि अब ये चेक कैसे करेंगे कि ये जो लास्ट के दो ग्रुप्स है वो प्लेन में या प्लेन में नहीं है, उससे क्या मतलब है? तो दोनों इथाइल इथाइल है, मिथाइल मिथाइल है, वो शो नहीं करेंगे। हां हां सर, अगर प्लेनर अगर अलग ग्रुप होते हैं तो कैसे प्लेनरिटी चेक करते हैं? क्या अगर अलग अलग होते हैं सपोज ग्रुप, तो प्लेनरिटी कैसे चेक करते हैं? वो वन रिंग वो बताएंगे आपको, वन रिंग इज इक्विवेलेंट टू वन डबल वन, वो अज्यूम करते हैं उसमें, वो एक दूसरे जो रिंग है ना वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू प्लेन होती है, वो अभी सीखना बाकी है आपका। ठीक है, वो आएगा इसी चैप्टर में आएगा, आप टेंशन ना लो। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उसके बाद इजेड नॉमेनक्लेचर। पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट जी आई? तो फॉर्मूला रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोले। नेक्स्ट टॉपिक सॉरी कैसे क्या होता है, लेकिन आप बता सकते हो प्लीज? अरे इसके है ना, इसके बीच वाली रिंग जो है ना, इस पे
इस पे अप पे हो गया मिथाइल, अप पे मिथाइल हो गया तो क्या हो गया सिस हो गया सिस और डाउन डाउन पे हो गया और अप पे हो गया तो क्या बोलेगा जल्दी बोल ट्रांस बस हो गया ओके ये टी है ये टेढ़ा करके ऐसे ही लिखा ना मतलब कोई रीजन नहीं है ना ऐसे लिखा है जगह नहीं है मैं किधर भी लिखूं उससे क्या मतलब ठीक 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 है सर समझा ना हाँ अब देखो फॉर्मूला रिलेटेड टू व्हाट जीआई ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एक्चुअली इसमें फॉर्मूले से कर सकते हैं और दिमाग से भी कर सकते हैं पीएनसी यूज करके बता सकते हो फॉर्मूला भी है इसमें और दिमाग लगा के भी कर सकते हो दोनों से सही आएगा राइट जैसे पहली कैटेगरी है फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट C2A4 अब इसमें पूछा जाए जीआई कितने हो गए जीआई जीरो हो जाएंगे तो होगा ही नहीं ना ए ए ए ए बोलो बराबर दूसरा C2A3X इसमें भी कितने हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे क्योंकि तो एक कार्बन पे दो सेम एटम होगा ये मत सोच लो कि इतना इजी है आगे डिफिकल्ट मिलेगा थर्ड नेक्स्ट बताएं नेक्स्ट पेज पे यस सर रुको लिखो आप ही के लिए मैं रुका हूँ सर फॉर्मूला रिलेटेड टू सर नीचे जाना नीचे जाना ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जीआईएस क्या है क्या करें जीआईएस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अच्छा अच्छा ओके शॉर्टकट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सर फॉर्मूला क्या था इसमें फिर अब ये फॉर्मूला आगे आ रहा है ना ये अगर इस फॉर्म में होगा तो ये होगा दूसरे फॉर्म में होगा तो दूसरा होगा तीसरे फॉर्म में होगा तो दूसरा होगा बहुत सारे फॉर्म है ना बोलूं अगला फॉर्म याद रखना सर नहीं बैग में रखना है क्या C2A2X2 वही अमूल बेबी जैसा बात कर रहे हो याद नहीं रखोगे तो कैसे होगा ए ए और एक्स एक्स अरे जी आई एस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स दो बनेंगे थर्ड अब देखो C2A XYZ कितने बनेंगे अब नहीं बोल रहे हो आत्मन बढ़िया क्वेश्चन है आत्मन चार बनेंगे सिक्स सिक्स थ्री फैक्टोरियल सी डबल बॉन्ड सी अब वो तुम क्यों मैं बता रहा हूँ ए एक्स वाई जेड एक ये होगा तो इससे कितने बन जाएंगे दो फिर ए और क्या हो गया जेड सी डबल बॉन्ड एक्स वाई इससे कितने हो गए दो कौन से वही इजेड सिस ट्रांस जैसे होता है इजेड 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 बताया ही नहीं क्या होगा तो उसे क्या मतलब ऐसी स्टांस होगा ना चारों डिफरेंट होगा तो बुद्धू मत बनाओ मेरे को बनने वाला नहीं मैं राइट हां सर भाई साथ में अब भाई हां अमूल बेबी क्या घुमाओ इधर मत हां सर एक्स
और जेड, मेरे को डायरेक्ट इसमें भी दो हो जाएंगे, यही तीन इसके पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे, तो दो दो हो जाएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, सिक्स। बराबर सर, पर लेकिन वो दो दो में भी कैसे हो रहे हैं, दो दो बताओ ना। दो दो कॉमन सेंस है, जैसे मान लो एग्जांपल देते हैं, सी टू सी एल बी आर आई एफ, ये जेई का क्वेश्चन है, पूछेगा कि जेई का है क्या, हाँ एडवांस है, ए डी बी, इसका क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड सी सी एल लिखेगा यहाँ पे, और क्या बी आर आई एफ, एक को फिक्स कर दे, इससे कितने हो गए, दो, सी एल उसी तरह फिक्स है, फिर यहाँ पे आई कर दो, सी डबल बॉन्ड सी, और क्या करोगे बोलो, बी आर एफ, अब फिर इससे कितने हो गए, दो, फिर अगला सी एल सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लाओगे, एफ को ला दो, वही बचा है ना, हाँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बोल आई आई बी आर, इससे क्या बनेगा, दो, हाँ सर ये तो ठीक है, पर लेकिन टोटल तो दो आइसोमर जो बन रहे हैं उनका ड्राइंग करके बताओ ना। अरे इसी को आई को, आई को इधर कर दे, इतना दिमाग में खाली ऊपर नीचे हो रहा है क्या सब कुछ ऐसा, और क्या, और क्या रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा ना, देखो बच्चा अमूल भी इसका नाम रखा है ना मैंने, बहुत अच्छा है ना, सही कर रहे हैं, नहीं सर अच्छा है, नहीं देख रहा, देख रहा हूँ ना कैसे गलती कर रहा है, ये इसका आइसोमर है दूसरा, अरे उसी के रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है ना, पूरी कहानी हो गई, फिर वही कर रहे हो। हाँ सर, तो पिछले क्वेश्चन में आत्मन ने कुछ फैक्टोरियल बोला था, उसने क्या किया था, समर्थ ने, समर्थ मैंने नहीं बोला, समर्थ ने बोला, ओ समर्थ, अरे पीएनसी में आएगा ये एफ है, और क्या हो गया, फैक्टोरियल तो आता है लेकिन इसके अंदर कैसे अप्लाई किया, अब जो मैंने बताया वैसे करो आप, वो सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि कभी कभी गड़बड़ हो सकता है वो सब फॉर्मूले, अच्छा ठीक है। देखो जो तुम पूछ रहे हो, दो कौन से बनेंगे, ये बनेगा, ये वाला देख रहे हो ना, इसका दो, इसका दूसरा, हाँ, ये बनेगा, हाँ, और हाँ, तुम अब और किसी को करोगे तो आइडेंटिकली बनेगा, और किसी को चेंज करोगे इधर उधर तो सेम, सब सेम होगा, बराबर, हाँ हाँ सर समझ गया सर। वेदांत को ऐसा सर, इसमें ऐसा लगता है कि फैक्टोरियल मतलब पहले सी एल की एक पोजिशन फिक्स कर दी, और हम लोग के पास अभी आई एफ और बी आर है मतलब, और तीन सीट खाली है, तो थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा ना। मैंने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, समझ के निकाल सकते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ सुनो, ट्राई किया जो मैंने, अच्छा, आपको बताया है कि एक को फिक्स करके तीन को चेंज करोगे तो पॉसिबिलिटी होगी, तीन एक से कितने बनेंगे, दो से तीन से कितने हो जाएंगे, छह, ये क्वेश्चन भी आ चुका है जेई में, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर पूछा था, क्या पूछा था, स्टीरियो आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यार ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, सिक्स, समझा कि नहीं समझा, हाँ सर, ओ वेदांत, हाँ सर, तुमको समझा दिया मैंने, यस सर थैंक यू, अभी टाइम है क्या, खत्म हो गया, ये भी बताओ सर, टाइम 11:36 है सर अभी टाइम, हाँ तो हो गया ना, खत्म हो गया ना टाइम, पढ़ा दे सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, मेरी और क्लास है, तो मुझे पहले वाले स्लाइड में एक डाउट है, पहले मतलब फर्स्ट वाले में, नहीं नहीं आप पीछे जाओ ना, वो आएगा इधर, नहीं और पीछे पीछे मतलब और, पहला, हाँ बोल, पहले पीछे, अरे बाप रे रुक, कहाँ मैं जाऊँ, रुक जा, ये हाँ सर, यहाँ पर जो लास्ट वाला है सबसे, ये वाला, हाँ तो ये वाला, हाँ नहीं लेफ्ट में, ये वाला, उसके भी ये, उसके भी लेफ्ट, ये हम समझ गए तुम्हारा क्वेश्चन, यहाँ पे तो हो सकता है ना सिंगल बॉन्ड के लांग, ये बोलेगी ना, हाँ तो मैंने बोला था पहले ही, तुमने सुना नहीं ध्यान से, तुम कौन बोल रही हो, पहले क्या नाम है, दो है ना, एक परीक्षा, ये परीक्षा, अच्छा अच्छा, ये सर ये परीक्षा है, अरे यार
ठीक है। अच्छा वो क्या है, अमूल भी बहुत बोल रहा है। ये देखो इधर ध्यान सुनो, ये जो है sp2 है ना, जो साइक्लोएल्कीन में मैंने बताया है, आप ध्यान रखिए उस चीज को, ये इसमें मैंने बताया सीएसपी के अलावा, मतलब ये sp3 है, समझ गए? यहाँ पे कोई जीआई नहीं होगा, बराबर। ओ तो वो सिर्फ sp3 में ही वैसा होगा। हाँ हाँ, साइक्लोएल्कीन में, ने साइक्लोएल्कीन लिखा था, जीआई इन साइक्लोएल्कीन, बराबर। ओके सर। देखो 11 के बाद पेज 10, राइट। तो आप लोग इतना नोट कर लो, इसको पढ़ के आना, तो मैं इसको पढ़ा देंगे आगे, तो सब बताओ ताकि फिनिश कर देंगे। इजेट सिस्टम बताएंगे अगली क्लास में, वो खत्म हो जाएगा, फार्मूला खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कन्फर्मेशन बता देंगे एक्सरसाइज 2, थोड़ा इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करा देंगे इसका, बराबर बच्चों। ओके सर। सर आपकी जो व्हाइट बोर्ड होता है वो 14 MB का कैसे होता है सर, समझ ही नहीं आ रहा आप कितना। मैं स्मार्ट हूँ ना, इसलिए स्मार्ट हमारा बोर्ड है, और क्या। 20 MB सर, बट मजे ले रहा है तू, मतलब 14 MB, 14 MB का मतलब 20 MB का रहता है सर आपका एक PDF, बाकी जैसे कि अंशुल सर या दूसरे कोई सर। छोड़ ना मेरी बात, वो छोड़, सारे सबकी बात छोड़, मेरी बात कर। अरे मेरी बात छोड़, तो हमारा अच्छा है या बुरा है पहले ये बता। अरे सर वो बात कर रहा है सर, वो चलता है, वो आपका वो फोन के अंदर आपका PDF ज्यादा जगह रहता है तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, फोन के अंदर रखना है तेरे को सर, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, 20 MB का रहता है। तू कहीं पे भी रख, कहीं पे भी रख, अब पता नहीं है। मेरा जो है वो जैसा है, मैं टेक्निकल चीजों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। पेपर पेन बुक में रखना सबसे बेस्ट है मेरे को, तो वो सबसे पहले मार्कर और बोर्ड ही सबसे अच्छा लगता है। अब इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट टेक्निक है पेपर पेन, और हर के लिए भी वही जरूरी है। ये सही है, ठीक है जो है। अब इसमें कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी है, अच्छा है बस। हाँ सर, सर लेकिन आप वो पेपर पेन वापस चालू कर सकते हो, सही रहेगा, वो ज्यादा फास्ट था। अरे ये भी फास्ट है सर, नहीं सर रोज नोट्स पर सर प्रिंट हो गया सर, इधर ज्यादा नोट्स करते थे, ना इसमें 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 17 पेज मैंने लिख दिया तू कह रहा है सर। हाँ उसके अंदर ना सर नोटिंग का टाइम नहीं लगता सर, इसके अंदर आपको रोको रोको सर बोलना पड़ता है, उसके अंदर हम लोग आप आगे भी बोल रहे होते हैं ना, वो जाने क्या, वो मैं फोन से पढ़ाता था राइट पहले, चलता है। अरे वो लिखने में वो बेकार है, ये सही है सर, ये सही है, इसमें क्या क्लियरिटी होती है मैं बता रहा हूँ। इसमें क्लियरिटी ये होती है कि बच्चे को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उसमें स्ट्रक्चर क्लियरिटी क्लियर नहीं रहता है, समझ रहे हो, हाइट सेट नहीं होता, पेज इधर उधर करना पड़ता है, इसमें तो पेज दिखाई दे रहा है ना राइट, तो इधर ज्यादा पेजेस आते थे रिवाइज करने के लिए क्लास के बाद, अब कम आ रहा है। नहीं नहीं ठीक है, सबसे बेस्ट यही टेक्निक है राइट सर। ये एक्चुअली फील हो जाता है, हमको भी फील हो जाता है, जान लो क्या, क्लासरूम की फीलिंग हो जाती है मेरे को सर। तो आप एक काम करो ना सर, व्हाइट बोर्ड लगा दो ना अपने घर पे, एसी की सर्दी से कर दो, व्हाइट बोर्ड लगा दे और क्या करते, और फिर कैमरा ऑन करके उसको पढ़ा दो सर, और एक एक हैंडी कैम मंगवा दे, है ना, नहीं फोन के कैमरा से भी चल जाता है सर, हैंडी कैम नहीं सर, स्टैंड ट्राइपॉड, वो बेकार है। हां ट्राइपॉड से हो जाएगा सर, नहीं अच्छा चलता है, हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर एसीपी सर का वैसे ही है, हम लोग का महीनों से वैसा चल रहा है, मस्त चलता है ना हमारा, बेस्ट मेथड है, सुनो ये सबसे बढ़िया बोर्ड है, ये स्मार्ट वे है, सही है एकदम, हाँ सेट है, इधर उधर मत करो, रहने दो सर, आपको भी देखने को मिल जाएगा हमें। हाँ सर। अरे भाई तुम तो फेस रिवील, फेस रिवील उस दिन किया था मीटिंग में सर, मैंने अपना कर दिया, आपने नहीं किया, किया ही था फेस रिवील उस दिन मीटिंग में, नहीं था तुम्हें कैसे झूठ बोलते हो सर, हमने क्या दूसरी मीटिंग में नहीं किया था, मैंने एक ही बार बोला, बस एक ही चीज बोलता हूँ, खाली पढ़ो और क्या करो, ये करो वो करो वो करो, अब तुम बच्चे थोड़े हो, टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो सर, टॉपिक डाइवर्ट कर रहे हो, सही बात है वही बता रहे हैं, और क्या।
और मैं बता रहा हूँ आप ही को खुद पता चला होगा जिस दिन मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया होगा और आज के लेक्चर में आपके अंदर कितनी मेच्योरिटी डेवलप हुई है खुद समझ रहे होगे। मेच्योर बनना है। पहले आप कैसे सोच रहे थे किसी कॉन्सेप्ट को, लॉजिक को, थ्योरी को, आज कैसे सोच रहे हो? क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहले दिन सॉल्व किया होगा तो नहीं बना होगा, दूसरे दिन सॉल्व किया होगा नहीं बनेगा, क्वेश्चन फेस रिवील का है। आंसर गलत है सर, -1 अब तुम लोग ऐसा है कि मास्क लगाओ। ओके थैंक यू बाय। अरे सर नॉट फेयर। थैंक यू सर। अरे सर थैंक यू सर। बाय सर। You're very good.